हेलो माई लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज प्रीति एंड इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट लाइफ स्टाइल, फैशन, ब्यूटी, हैक्स, हॉल, रिव्यूज एंड लॉट मोर। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई नो आप इनकी छन छन से परेशान हो रहे होंगे, बट आज के लिए टॉलरेट कर लेना बिकॉज मैं उतारने वाली नहीं हूँ। सो आज का वीडियो होने वाला है एक मीशो साड़ी हॉल। आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे मीशो से साड़ी हॉल लेके आने के लिए। सो आज मैं आपके लिए काफ़ी सारी साड़ीज लेके आई हूँ। इन टोटल मैं आपको 8 साड़ीज दिखाने वाली हूँ। ग्रैब योर टी एंड कॉफी बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। सो आज की साड़ीज ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं बिकॉज सारी ही ना इतनी प्यारी प्यारी फ्लोई फैब्रिक की साड़ीज हैं। तो इसमें ना कुछ साड़ी प्री ड्रेप्स हैं फॉर माई गर्लीज जिनको साड़ी ड्रेप करना नहीं आता बट साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन करता है। सो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। सो बिना देरी के स्टार्ट कर लेते अपने वीडियो को। सो जो फर्स्ट साड़ी है वो है दिस ब्यूटिफुल साड़ी। यू कैन सी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एक प्री स्टिच साड़ी है और इतना प्यारा इसका फ्लोई फैब्रिक है। पूरी साड़ी में ना इस टाइप के वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं एंड यू कैन सी साइड में ना ऐसे क्रोशिए वाली लेस है। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, इतनी कंफर्टेबल साड़ी है, पहन के फील ही नहीं हो रही। और सबसे बेस्ट पार्ट ये प्री स्टिच है ना, सो आपको कुछ हैसल है ही नहीं साड़ी को पहनने में। जस्ट बेल्ट में ना हुक्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के लिए। सो आपका साइज चाहे एक्स्ट्रा स्मॉल है चाहे 4XL है आपको ये साड़ी आ जाएगी बिकॉज इसमें ना काफ़ी सारे हुक्स दिए हुए हैं। इसके साथ ना अटैच ब्लाउज पीस भी आया है। ब्लाउज पीस का फैब्रिक मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, सो है। आप देख लेना आपको स्टिच कराना है या नहीं, नहीं तो आप किसी भी अपने प्लेन ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ इसको पेयर अप कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बाकी ये साड़ी 10/10 है और ये काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी भी है। आई थिंक 550 की है या 600 की है। सो मैं एग्जैक्ट प्राइस ना सभी साड़ी के मेंशन कर दूंगी। तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साड़ी है। आप ऑफिस जाते हैं, यू आर इन टीचिंग प्रोफेशन, या घर पहनने के लिए भी आपको साड़ी चाहिए ना, दिस इज अ परफेक्ट ऑप्शन। सो जो सेकेंड साड़ी है वो प्रॉपर एकदम ब्लिंगी साड़ी है बिकॉज रक्षाबंधन भी आ रहा है। सो एक दो आपके लिए एकदम फेस्टिव वाले ऑप्शन भी होने चाहिए। इस टाइप की साड़ीज यू नो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, जिम्मी चू की साड़ीज बोलते हैं। सो ये ऑर्गेन्जा सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है, उसके ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल सी शाइन है एंड यू कैन सी छोटा छोटा स्टोन वर्क है एंड लेस वर्क भी इसका कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये साड़ी ना काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल थी। मुझे लगा था कि ऑर्गेन्जा है तो मैनेजेबल नहीं रहेगी, थोड़ा खड़ा खड़ा सा फैब्रिक रहेगा, बट नहीं, ये साड़ी बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है। अभी तक आपने कोई जिम्मी चू की साड़ी ट्राई नहीं करी ना, सो दिस इज़ अ हाई टाइम बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस टाइम। और स्पेशली इसका शेड ना बहुत ज़्यादा प्यारा है। यू कैन सी इसमें से ड्यूल टोन है, थोड़ा लाइट पिंक एंड डार्क पिंक का, सो कुछ ओम्ब्रे सॉर्ट ऑफ इफेक्ट भी आ रहा है। इसका ब्लाउज पीस है सेम है, नीचे की तरफ वही लेस है जो अपनी स्लीव्स वगैरह पे आप लगवा सकते हैं। सो इसका प्राइस एग्जैक्ट स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आप इसको वेडिंग्स में, पार्टीज में इजिली कैरी करके जा सकते हैं। ये परफेक्ट ऑप्शन है, इतना एलिगेंट और क्लासी लग रहा था ना पहनने के बाद। इसका शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ साड़ी जो प्रॉपर पार्टी वेयर भी लगे बट लाइट वेट भी हो, सो दिस कैन बी अ परफेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है बट इसके ब्लिंग में कोई कमी नहीं। आप डेफिनेटली इसे पार्टीज में, वेडिंग्स में कैरी करके जा सकते हैं। इसे मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ बिकॉज ये शेड भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो जो नेक्स्ट साड़ी है वो है दिस ब्यूटीफुल रेड कलर की साड़ी और इसके ऊपर ना व्हाइट कलर के थ्रेड से हार्ट वाला शेप बना हुआ है। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी लग रही थी। लाइक आप फेयरवेल वगैरह के लिए इसे कंसिडर कर सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, ऑफिस, कॉलेज, सब जगह पहन के जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। इसका फैब्रिक जॉर्जेट है, पूरी ही साड़ी पे ऐसे पाइपिंग वाला वर्क भी है एंड अगेन ये एक प्रीस्टीज साड़ी है, ऐसे प्लीट्स बनी हुई हैं इसमें ऑलरेडी एंड यहाँ पे यू कैन सी बेल्ट वाला पोर्शन है जिसमें काफ़ी सारे हुक्स बने हुए हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हुक है जिसमें इसे इंसर्ट करके ना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे देख के ना मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे वैलेंटाइन वाली ड्रेसेस नहीं होती हैं, सो मैंने तो सोच लिया मैं इस साड़ी को वैलेंटाइन पे कैरी करने वाली हूँ। घर में पहनने के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। सो बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी लगी, बहुत ही मिनिमल वाली येट प्रिटी वाली साड़ी है। इसमें भी ब्लाउज पीस आया है, पूरे ब्लाउज पीस पे ना ऐसे हार्ट वाले शेप बने हुए हैं। सो आप ज़रूर इसको इसके साथ स्टिच करवा सकते हैं। फैब्रिक सेम है जो साड़ी का है, सो दिस इज़ अगेन हाईली रिकमेंडेड। और ये भी ना आई थिंक 750 रुपीज़ की थी, सो उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा मस्त वाली साड़ी है। आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं अगर आपकी वाइब इस टाइप की है, दोबारा साड़ी लवर और आपको वैलेंटाइन पे साड़ी ही पहनना पसंद है, सो दिस कैन बी अ परफेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट साड़ी है वो अगेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसलिए ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि ये ब्लैक कलर में है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे से कटवर्क वाला वर्क है और छोटे छोटे स्टोन्स लगे हैं। फैब्रिक में इसका क्या
क्या बताऊं, अगर इस पूरे हॉल में से सबसे ज़्यादा बेस्ट फैब्रिक किसी साड़ी का है ना, सो वो इसका ही है। एकदम प्योर शिफॉन की साड़ी है, इतनी लाइट वेट है, पहनने के बाद ना पता ही नहीं चल रही थी। ये प्री स्टिच नहीं है, ये आपको खुद से प्लीट करनी पड़ेगी, बट ये इतनी जल्दी प्लीट होती है। साथ ब्लाउज पीस भी आया है जिसपे अगेन स्टोन वर्क हो रखा है, आई थिंक ये नेक के लिए है। फैब्रिक वाइज साड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको कोई ब्लैक कलर में साड़ी चाहिए सो आप इसके लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ये अगेन आई थिंक 500 या 600 रुपीज़ की है। अगर 1000 रुपये में भी होती है तब भी बुराई नहीं थी, बिकॉज इतना प्यारा फैब्रिक है यार इसका, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। विद ब्लाउज पीस आपको मिल रही है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। नेक्स्ट साड़ी है वो अगेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। दिस इज़ अ ब्लू कलर साड़ी और इसके ऊपर छोटे छोटे से पोलका डॉट्स वाले प्रिंट हैं, और इस साड़ी को पहनने के बाद ना मुझे मैं हूं ना वाली सुष्मिता सेन वाली फील आ रही थी, बिकॉज ये है ही उस टाइप की साड़ी। बहुत ज़्यादा फ्लोई है, इतनी प्यारी साड़ी है, लाइक इस साड़ी में कुछ भी नहीं है, बस ये एक आप ऐसा समझ लीजिए ऑल ओवर ऐसा ही फैब्रिक है। ब्लाउज पीस भी ऐसा ही है और सेम साड़ी भी पूरी ऐसी है, नो लेस नथिंग, बट ये फिर भी इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी बिकॉज इसका प्रिंट ही इतना ज़्यादा सुंदर है। ब्लाउज के साथ आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बिकॉज साड़ी काफ़ी प्लेन है बट इतनी ज़्यादा फ्लोई साड़ी है, और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ी है। आई थिंक पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल साड़ी यही है, ये अंडर 500 है। बट एक चीज़ जिसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट किया वो इसका ये बैक साइड, लाइक बैक साइड पे ना ये ऐसा लाइट कलर दे देते हैं, तो जब आप पल्ला डालते हो ना तो थोड़ा भी पल्ला ऐसे दिखता है ना, सो वो बहुत ऑड लगता है। पीछे भी ना सेम शेड होना चाहिए ताकि साड़ी में अगर पल्ला ऐसे हो जाए तो वो वियर्ड ना लगे। सो जो नेक्स्ट साड़ी है वो अगेन काफ़ी प्रिटी है। दिस इज़ इन बांधनी प्रिंट और इसका जो ये फैब्रिक है ना ये जॉर्जेट ही है, बट इतना सॉफ्ट वाला जॉर्जेट फैब्रिक है, बिल्कुल खरखर नहीं करता। एंड दिस इज़ अगेन अ प्री स्टिच साड़ी। पूरी ही साड़ी पे ना इस टाइप की ट्रायंगुलर लेस लगी है, पूरी ही साड़ी पे ना एक ही टाइप का प्रिंट है, यहाँ पे ऐसे प्लीट्स बनी हुई हैं। इतनी ज़्यादा फ्लोई, इतनी प्यारी साड़ी है ना, और इसके साथ ब्लाउज पीस भी आया है विच इज़ अगेन सेम, सो आप इसको भी स्टिच करवा सकते हैं बिकॉज सेम फैब्रिक का है, काफ़ी कम्फर्टेबल फैब्रिक रहने वाला है ये। ये नियॉन वाला पिंक है, सो काफ़ी डिफरेंट लग रहा था ये कलर पहनने के बाद, और मैंने इसे ग्रीन कलर के क्रॉप टॉप के साथ पेयर किया। आप इस ब्लाउज के साथ इसको स्टिच करा के पहनेंगे ना ये बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी लगने वाली है। सो अगेन दिस इज़ अ फ्लोई जॉर्जेट साड़ी जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और ये भी ना लाइक इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं था, ये भी लाइक 600-700 वाली रेंज में है। सो एग्जैक्ट प्राइस ना आप स्क्रीन पे देख लेना, सो मैं कहूँगी प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत प्यारी साड़ी है। सो जो नेक्स्ट साड़ी है वो इस हॉल की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव साड़ी है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सस्ती भी मैं बोलूँगी, बिकॉज ये इतनी प्यारी साड़ी है। लुक एट द साड़ी, ये पूरी ऐसे रफल वाली साड़ी है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, सो ये तीन लेयर वाली ऐसी साड़ी है। बेल्ट वाला पोर्शन है और ये स्ट्रिंग्स हैं, सो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साइड में चेन भी है, अंदर की तरफ बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक की लाइक लाइनिंग है, एंड इसका जो बॉर्डर है ना वो भी प्री स्टिच है, इसमें ऐसे बॉर्डर अटैच है। आंचल वाला पोर्शन है जिसमें लेस लगी हुई है ऐसे पर्ल वाली, सो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी साड़ी है। अगेन बहुत ज़्यादा फ्लोई और कम्फर्टेबल है, इसे मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिकॉज आपको करना ही क्या है, लाइक सब कुछ तो पहले से बना हुआ है। आपको जैसे स्कर्ट पहनते हैं ना उस टाइप से इसको पहनना है और पल्ले को साइड में लेना है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है, एंड सबसे प्लस पॉइंट इसके साथ ब्लाउज स्टिच आया है। सो इसके साथ ये प्यारा सा ब्लाउज आया है जिसपे काफ़ी प्यारा थ्रेड वर्क है, और इसके अंदर ना कप भी है, सो इनबिल्ट कप है, आपको ब्रा वगैरह का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डोरी है और एक्स्ट्रा स्लीव्स भी आई हैं, सो आप इसमें स्लीव्स भी लगवा सकते हैं, और इसका जो साइज़ है ना वो 3XL है, सो ये आराम से एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके 3XL वाले साइज़ को आ जाएगी, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन भी दिया है, और ये ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा लूज था, मैंने पीछे पिनअप करके इसको पहना, और इसके साथ ना एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी आई है, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई। सेम इस टाइप की बेल्ट है, पूरी बेल्ट ना इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। दिस इज फॉर 1700 ओनली, सो आपको 1700 में इतनी प्यारी साड़ी, साथ में स्टिच्ड ब्लाउज और एक बेल्ट भी मिल रही है, सो ये परफेक्ट साड़ी है। आप इस साड़ी को आराम से वेडिंग्स में कैरी कर सकते हैं, पार्टीज में, फेस्टिव्स में कैरी कर सकते हैं। बोलूंगी प्राइस के अकॉर्डिंग दिस इज अ परफेक्ट साड़ी, इससे ज्यादा सस्ते प्राइस में आपको ऐसा पीस नहीं मिलेगा मीशो के अलावा। नेक्स्ट साड़ी है वो अगेन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये टाई एंड डाई वाला प्रिंट है, और पूरी ही साड़ी में ऐसे क्रोशिए वाली लेस है व्हाइट कलर की। साड़ी का फैब्रिक भी ना बहुत ज़्यादा फ्लोई है, इतना मस्त वाला फैब्रिक है ना, लाइक पहनने के बाद फील नहीं हो रहा था, इतना फ्लोई फ्लोई। इन सारी ही साड़ीज़ का ना फैब्रिक बहुत अच्छा आया है, लाइक मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा फैब्रिक आएगा, बट ट्रस्ट मी सारी ही
ये साड़ी ना बहुत अच्छे फैब्रिक की आई है और इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है और पूरी ही साड़ी ना सेम प्रिंट में है। दिस इज़ अगेन अ 1 मिनट साड़ी, तो यहाँ पे प्लीट्स बनी हुई आई हैं, यहाँ पर हुक है एंड यहाँ पर बेल्ट वाला पोर्शन है, यू कैन सी। सो आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं एंड इसके साथ ना प्लेन वाला फैब्रिक आया है फॉर ब्लाउज़, बट मैं कहूँगी ये ब्लाउज़ का फैब्रिक ना बहुत घटिया आता है इन साड़ीज़ के साथ। सो आप ब्लाउज़ तो अलग से फैब्रिक लेके स्टिच करवा लेना, या फिर आपके पास कोई पिंक कलर का ब्लाउज़ हो तो आप उसके साथ इसे पहन सकते हैं। साड़ी 10/10 है, बस ब्लाउज पीस बहुत ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। आई थिंक 650 रुपीज़ इसका प्राइस था। 650 रुपीज़ में आपको इतनी फ्लोई, इतनी सुंदर कलर प्रिंट की साड़ी मिल रही है, हाईली हाईली रिकमेंडेड। कोई भी साड़ी ऐसी नहीं आई जिसके बारे में कुछ गंदा बोल सकूँ, सच बता रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज हॉल वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने काफ़ी सर्च करके इतनी प्यारी प्यारी साड़ीज आपके लिए निकाली हैं। सो लिंक के लिए ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप आगे और क्या देखना पसंद करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।